हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इस कोरोना काल में कोरोना और एक नई वायरस ओमिक्रॉन कितनी तेज़ी से फैल रही है। तो दोस्तों, अभी के समय में हमें हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे आप अपने खान पान में शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि अभी का समय कैसा चल रहा है। कोरोना खत्म भी नहीं हुई कि एक नई वायरस ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। खासतौर पर ठंड में सर्दी, जुकाम और अनेक बीमारियों से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी को मजबूत रखना जरूरी है। तो आइए आज हम एक ऐसे ही खास सब्जी ककोरा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये सब्जी आपके शरीर को सभी जरूरी विटामिन देता है और आपके शरीर को ताकतवर बनाता है। ये केवल सब्जी नहीं, एक औषधि के रूप में भी काम करता है। यह सब्जी कंटोला के नाम से भी जाना जाता है। इस सब्जी में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन D2 और 3। दोस्तों, इस सब्जी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, कॉपर एवं जिंक भी पाए जाते हैं, जो कि इसे एक खास और ताकतवर सब्जी बनाता है। दोस्तों, इस सब्जी के सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। जैसे पहला है, कोकरा के सेवन से बवासीर और पीलिया जैसी बीमारी में राहत मिलती है। दूसरा, इसके सेवन से डायबिटीज़ में भी फ़ायदा मिलता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में होने वाले दाद, खास खुजली से भी ककोरा राहत पहुंचाता है। यह लकवा, सूजन, बेहोशी और आंखों की समस्या भी दूर करता है। तो दोस्तों, आप ककोरा का सेवन ज़रूर करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।